तो NS200 लॉन्च में तो निकल गई है। बाय बाय NS200। NS200 तो निकल गई भाई। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू द न्यू ड्रैग। तो सामने देख सकते हैं आज दो बाइक्स का जो है हम कंपैरिजन टेस्ट करने वाले हैं, यहीं पर करेंगे ड्रैग रेस और लॉन्ग रेस भी करने वाले हैं। दोनों बाइक्स के प्राइस के बारे में बता देता हूं, तो दोनों बाइक जो है सिमिलर होने वाली, इसी वजह से जो है हम आज इनका ड्रैग रेस करने वाले हैं। बाकी हालांकि इसकी वीडियो आपने मेरे चैनल पर पहले भी देखी होगी, लेकिन उस समय जो NS थी वो सर्विस नहीं हुई थी। ये बाइक जो है पूरी तरह से सर्विस्ड है। लोग उसमें कह रहे थे कि NS200 सर्विस नहीं है, इस वजह से जो है NS200 बीट हो जा रही है MT15 से। तो अभी एक बार देखते हैं ड्रैग रेस करके, स्पेक्स पावर की बात कर लेते हैं। तो NS में आता है 199 cc का इंजन जो कि लिक्विड कूल्ड होता है। वहीं पे अगर हम पार की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 24 PS की पार देखने को मिलने वाली है। वहीं पे आपको अप्रॉक्स 19 न्यूटन मीटर टॉर्क देखने को मिलने वाला है। वहीं अगर हम यहाँ MT15 की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाता है 155 cc का इंजन जो कि प्रोड्यूस करता है 18 PS की पावर, और वहीं पे आपको 14 न्यूटन मीटर टॉर्क देखने को मिलने वाला है। हालांकि दोनों की पावर में बहुत ज़्यादा फर्क होने वाला, cc भी फर्क है, लेकिन यहाँ पे जो परफॉर्मेंस देती है यामाहा वो VVA टेक्नोलॉजी से पावर्ड होती है। इसकी वजह से भाई वो 200 cc कैटेगरी बाइक्स को पूरी तरह से जो है कॉम्पिटिट करती है। यहाँ पे बात कर लेते हैं, दोनों बाइक्स में आपको USD फॉक्स देखने को मिलने वाले हैं। दोनों बाइक्स में आपको डुअल चैनल ABS देखने को मिलने वाला है। बाकी इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करते हैं तो NS में जो नया वाला इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आया है, जैसा देख सकते हो यहाँ पे आपको डिजिटल मीटर देखने को मिलने वाला है। वहीं पर आपको यहाँ पे आपको MT15 का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखाते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलने वाला है। बात कर लेते हैं चार्जिंग पोर्ट की, तो MT15 में चार्जिंग पोर्ट आपको देखने को नहीं मिलता है, लेकिन NS में आपको चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलने वाला है, जैसा देख सकते हो यहाँ पे है, ये देखो यहाँ पे है। बाकी दोनों बाइक्स जो है 6 गियर ट्रांसमिशन इंजन के साथ में आती हैं। दोनों बाइक्स में आपको LED हेडलाइट देखने को मिलने वाला है, 2 DRL देखने को मिलने वाले हैं। वहाँ पे आपको LED इंडिकेटर जो है नई वाली V3 जो मॉडल आई है, जिसमें आपको किल स्विच वगैरह चेंज किया गया, हज़ार दिया गया, उसमें आपको LED इंडिकेटर देखने को मिलेंगे। NS में भी आपको इंडिकेटर वही RS वाले देखने को मिलने वाले हैं, मतलब जो बाइक आ रही है बजाज की उसमें आपको यही वाले इंडिकेटर देखने को मिलने वाली है। प्राइस मैंने बताई दिया था कि 1,92,000 ब्लूटूथ वेरियंट आपको ये देखने को मिलेगी। उसकी बात करते हैं तो 2,05,000 रुपये की ऑन रोड आपको लखनऊ में देखने को मिलने वाली है। तो चलो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा ड्रैग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट आते हैं। बाकी मेरे चैनल बनाए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करता इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। चलो शुरू करते हैं, शुरू करते हैं। मैं चला रहा हूं पहले यामाहा MT15 मतलब MT15, और दिल को चला रहा है बजाज पल्सर NS200 को 2024। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट आते हैं, लेट्स गो। NS200 लॉन्च में तो निकल गई है। वो काफी तेज जा रही है भाई, वो मतलब भाई क्या पावर है NS200 में, पावर तोड़ भाग रही है भाई वो। देखते हैं आज ये कितना जाती है भाई साहब। ये जा रही है 5th गियर में 128, 6th गियर लगा लिया मैंने, देखते हैं 130। ज़्यादा टक करना पड़ेगा लग रहा है, 133, 34, 35, 36, 37। बहुत ज़्यादा गैप मेंटेन हो चुका है, जैसा देख सकते हो आप, बहुत ज़्यादा गैप मेंटेन हो गया। ये रही NS200, बाय बाय NS200।
MS 200 काफी पीछे है। बहुत पीछे हो गई है, ये रही देख सकते हो यार, ये बहुत तेज आ रही है भाई, ताबड़तोड़ भाग रही है वो भी, गजब भाई। ये रही हो, सिर्फ जिम करते हैं, देखते हैं क्या होता है, लेकिन कोई भला नहीं होगा यहाँ पर। भाई साहब तगड़ी तगड़ी भाई, तगड़ी 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 भाई, कॉम्पिटिट करने के लिए इसमें इतनी पावर नहीं है। ना ना इतनी पावर था। खैर जैसा आपने यहाँ पे देखा कि इनिशियल पावर तो थोड़ा बहुत ठीक था MT-15 का, लेकिन NS 200 इतना जो है, MT-15 इतनी कैपेबल नहीं है कि NS 200 कोई बीट कर पाए। अभी एक बार राउंड जो है हम राउंड टू करेंगे, यहाँ पे राइडर स्विच करके देखेंगे। राइडर स्विच करने से, क्योंकि वेट रेशियो भी मैटर करता है, थोड़ा सा दिल को उससे मेरे से भारी है, तो एक बार राइडर स्विच करते हैं, राइडर स्विच करके देखते हैं कि राइडर स्विच करने के बाद में क्या रिजल्ट आते हैं। तो लेट्स गो। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, NS 200 है भाई, इसकी पावर कहाँ वो बीट कर पाएगी भाई। साहब गजब पावर है इसमें भाई, पावर तोड़ जाओ जाओ। थोड़ा MT-15 को भी मौका दे देता हूँ, MT-15 पांच गियर में हराते हैं इसको, ठीक है। ये पांच गियर में तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, अभी देखते हैं क्या होता है। NS 200 तो निकल गई भाई, जा चुकी है। MT-15 बहुत ज़्यादा पीछे, विंडलाज बहुत ज़्यादा है, दोनों बाइक नेकेड होने वाली है यहाँ पर। 142 गई है अभी खाली बस। MT-15 बहुत ज़्यादा पीछे हो चुकी है, बहुत गैप मेंटेन हो चुका है भाई, बहुत ज़्यादा गैप मेंटेन हो चुका है। विंडलाज बहुत ज़्यादा है, जिससे शायद से टॉप स्पीड नहीं अचीव हो रही होगी, बहुत ज़्यादा गैप हो चुका है। ज्यादा गैप हो चुका है, तो इसको रोक ही देते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। कोई फायदा नहीं है, कोई भी फायदा नहीं है, बहुत गैप मेंटेन कर ले रही है। NS 200 जिस हिसाब से भाग रही है ना, MT-15 कुछ नहीं, इसको टक्कर पता है कौन सी बाइक देगी? यामा R15M और R15 Version 4। हराया है तो एक बार चलो यहाँ पे। आप गाइस जैसा अभी देख सकते हो कि MT-15 जो है अभी इतनी अच्छी कंडीशन में है, उसके बाद में भी NS 200 जो है NS 200 को हरा नहीं पा रही, मतलब इतना पावर NS 200 में सर्विस होने के बाद में तो भाई गजब भाग रही है, मतलब चीर रही है। अभी पूरा थ्रॉटल मैंने नहीं दिया, उसके बाद में भी ये हाल है। तो जैसा देख सकते हो कि भाई अभी मैंने पूरा थ्रॉटल नहीं दिया, 143-144 तक गया, लगभग ये 155 तक जाती है NS 200, लेकिन यहाँ पे भाई MT-15 ने पूरी तरीके से दम तोड़ दिया। पावर खत्म हो गई, पावर ड्रॉप हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत प्यारी भाग रही है NS 200। आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। मेरे चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करता इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो फटाफट से। चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल।